के इस करिश्मे की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने गैस और के इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मुअक्कर कर दिया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने होटल्स और मार्केट खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि होटल्स बंद होने से इनमें काम करने वाले गरीब मुलाजम बहुत मुतासिर हैं, SOPs के तहत होटल्स खोले जाएं। नौ निकाती एजेंडे पर गौर के लिए वफाकी काबीना के इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख करेंगे। स्पीकर कौम असेंबली असद कैसर का कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए महसूलात की वसूली FPR की अवालीन जिम्मेदारी है और महसूलात की वसूली FPR की कारकर्दगी के साथ बराह रास्त वाबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म करप्शन के ऊपर छतरी बन चुके हैं। नैब के जरिए अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा अहसन इकबाल की नैब दफ्तर के सामने मीडिया से गुफ्तगू। ये बगैर रह नहीं सके। 2500 साल पुरानी बुद्धा की ये गारें आज भी अपनी मिसाल आप हैं और अपने अंदर पोशीदा कई राजों को सवालिया निशान की तरह छोड़ गई हैं।